नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं चंदला कार्स। दोस्तों आज हम एक नए ड्राइवर को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों भाई ने अभी सेकंड गियर लगा लिया है। दोस्तों अभी देखिए, ये अभी क्रेटा गाड़ी है दोस्तों, और हम लोकल रोड पे हैं। दोस्तों यहां सामने से गाड़ियां बहुत जा रही है। भाई थोड़ा बहुत ड्राइविंग करना जानता है, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज हम बाजार में भी जाएंगे, छोटे से एक टाउन है, वहां भी आपको ट्रैफिक में इसको ड्राइविंग करके दिखाएंगे। दोस्तों अभी चल रहे हैं हम धीरे धीरे लोकल रोड के ऊपर। दोस्तों अभी सामने से गाड़ियां भी आ रही हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है। भाई को मैं थोड़ा सा केयरफुल के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए कि कैसे कैसे आप ड्राइविंग को दौरान अपनी गाड़ी को ओवरटेक करोगे या सामने वाली गाड़ी आ रही है। देखिए दोस्तों सामने से पिकअप आई है, लेकिन फिर भी भाई ने बचा लिया। ये चीजों को इनको थोड़ा थोड़ा बारीकी से मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इनका दिल खुले और एक डर है इसके मन में जो निकल जाए, ताकि ये एक लोकल रोड पे अच्छी सी गाड़ी चला सके। दोस्तों आज मैं इनके साथ हूँ, ताकि इनको अब काफी अनुभव हो जाए और अब जो लोकल रोड पे भी ये अच्छे से गाड़ी चला सके। दोस्तों बड़े ट्रक जैसे गाड़ियां आती हैं, तो वहां पे इसको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से गियर में गाड़ी को करना चाहिए। अभी ये अभी सेकंड गियर में चला रहे हैं, मैं अभी इनको बोलूंगा कि गियर को अप किया जाए, तो थर्ड गियर में लगा लीजिएंगे। दोस्तों थर्ड गियर में अब जब गाड़ी चलेगी तो थोड़ा सा और अच्छे से इनका हाथ खुलेगा और गाड़ी हल्की चलेगी। दोस्तों इस जगह आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी जब हल्की चलती है तो आपको ड्राइविंग का अनुभव अच्छा आता है। आप जैसे छोटे गियर में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का साउंड भी जाता आता है, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ भारी चल रहा हो या गाड़ी आपको हल्की नहीं चलती है, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि बड़े गियर में कोशिश करें कि चलाने की, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो गाड़ी तो हल्का सा थर्ड या फोर्थ गियर में चलाने की कोशिश करें, ताकि आपकी गाड़ी हल्की चले और आपको एक अनुभव क्रिएट हो। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे चलते हुए अभी मोड़ आ रहा है सामने, अभी देखिए हमने चौथा गियर लगा लेंगे हमें। अब इसके बाद गाड़ी हमारी आगे मोड़ भी आएगा और हल्का सा बाजार भी आने वाला है, जहाँ पे हम आपको साइड लेके या बाजार में जो भी भीड़ होती है वहाँ पे हम इस भीड़ में भी इनको ड्राइविंग करके दिखाएंगे। दोस्तों सामने से पशु आ रहे हैं, पशु को बचाने के लिए आपको हल्का सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हल्के से ब्रेक लेके आपको गाड़ी को निकाल लेना है और गियर को डाउन कर लेना है। मैंने इनको बताया कि गियर को डाउन कर ला, इन्होंने गियर को डाउन भी कर लिया है। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और अब चलते हुए के ऊपर हल्के खड्डे भी आ रहे हैं, फिर भी ये अपने गाड़ी को अनुभव के द्वारा आराम से केयरफुल के साथ गाड़ी को चला रहा है। दोस्तों तो आप भी ऐसे अगर नए ड्राइवर हो तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, आराम से चला लीजिए। देखिए आज इस भाई ने कितना एक्सपीरियंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा आप भी चला सकते हो और आराम से अपने ड्राइविंग को अच्छा सा बना सकते हो। दोस्तों अभी सामने देखिए दोस्तों, ये पुल आ गया है, पुल के बाद एक बाजार आएगा छोटा सा। बाजार के अंदर मैं आपको एक जो चौराहा होता है वहां से गाड़ी को क्रॉस करके और गाड़ी को इनको पार्किंग करने की तरीका बताऊंगा कि कैसे गाड़ी को पार्किंग किया जाता है, और जो बाजार आता है तो बाजार में कैसे गाड़ी को आराम से निकाला जाता है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप अगर नए ड्राइवर हो तो ऐसी भीड़ में कभी भी अकेले मत जाइएगा, आपके साथ कोई अनुभवी ड्राइवर हो या आप थोड़ा बहुत चलाना जान गए हो, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर और गियर का अगर अनुभव हो गया तो ही जाइए, नहीं तो अन्यथा आप खुली रोड पर ही चलाइए। दोस्तों अभी ट्रैफिक लग गया है और गाड़ी को हमने धीरे कर लिया है, अब धीरे धीरे हम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अभी आगे वाली जो गाड़ी निकल रही है तो इसी के साथ हम पीछे रखेंगे, और आगे से बड़ा गाड़ी जा रही है, ट्रक आ रहा है, हम इसके बीच से साइड से निकाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिए, दोस्तों अगर गाड़ी वाला आगे आने की कोशिश करता तो आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं रुक आया और हम आगे बढ़ गए। दोस्तों अभी हमें राइट साइड जाना है, तो राइट साइड जाएंगे तो हम इंडिकेटर देंगे, पहले फर्स्ट टाइम इंडिकेटर देके हम राइट साइड गाड़ी को ले रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए कि आगे भी गाड़ी का जाम लग चुका है, तो हम यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आगे से जो व्हीकल आ रहे हैं दोस्तों उसको भी रास्ता चाहिए, हम अपनी ही साइड में रखते हुए गाड़ी को आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे अगर बाजार में आप अगर सीख रहे हो या नए ड्राइवर हो तो आप ध्यान रख लीजिए, गाड़ी से बम्पर टू बम्पर आपका डिस्टेंस रखना चाहिए, ताकि आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो या गाड़ी बैक लाए तो आपको डिस्टेंस मिलना चाहिए। इस सिचुएशन में आप एकदम गाड़ी को सटा के मत खड़ा कर लीजिए, थोड़े से आपका जो डिस्टेंस होता है उसके अनुसार आप गाड़ी को रोक लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर धीरे धीरे आप आगे गाड़ी बढ़ाइए। जो बस है ये हमसे काफी 15 से 20 मीटर दूर है, हम इसी के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बाजार में ज्यादा भीड़ होने की वजह से अभी हम गाड़ी को साइड में रोक लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप नए ड्राइवर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।